दोस्तों, अगर आप भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आयुष्मान मित्र की आईडी और पासवर्ड लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं कि आप आयुष्मान कार्ड के लिए आयुष्मान मित्र आईडी कैसे ले सकते हैं, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, कैसे आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा, कैसे आप काम कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो अगर आप भी आईडी और पासवर्ड लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा, और वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप आयुष्मान मित्र आईडी और पासवर्ड ले लेते हैं और अपना या किसी का भी आयुष्मान कार्ड बनाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो उसमें आपको जिनका भी आप आयुष्मान कार्ड अप्लाई करिएगा तो आपको उसमें एक साल में आपको 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज होने वाला है। जिस भी सदस्य का आप आयुष्मान कार्ड बनाइएगा उसमें आपको एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा, और उनके फैमिली का उनके माध्यम से मेंबर को भी ऐड कर सकते हैं। अगर एक लोग का आयुष्मान कार्ड आप बना रहे थे तो उसमें मेंबर को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के फादर का बन गया तो उनके बच्चे का ऐड हो जाएगा, उनके मदर का भी, उनके वाइफ का भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और अच्छा खासा पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आयुष्मान कार्ड की आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगी, कैसे आपको काम करना होगा, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको नीचे देखने को मिल रहा है एक सब्सक्राइब का बटन। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। सबसे पहले एक नया ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा, देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको सर्च करना पड़ेगा आयुष्मान, ठीक है। आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आयुष्मान आपको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या होता था कि आपको यहाँ पे आयुष्मान लिख देते थे, आयुष्मान लिखने के बाद यहाँ पे आयुष्मान मित्र लिख देते थे, ठीक है। आयुष्मान मित्र लिख के सर्च करते थे तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता था। आप इस पर क्लिक करते थे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देते थे। जैसा आप यहाँ पे क्लिक करते थे देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता था। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्लिक हेयर टू रजिस्टर का एक ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना होता था और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लेते थे। लेकिन अभी कुछ दिन से यहाँ पे एरर शो हो रहा है, कुछ दिन से ये पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, बस यहीं पे आके रुक जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है कि एरर आ जा रहा है, कुछ ना कुछ एरर आ जा रहा है, मतलब आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ पा रहा। तो आपको एक नया जेन्युइन तरीका बताने वाला है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए चलिए हम नेट ऐप ओपन करेंगे। फिर से नेट ऐप ओपन करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना होगा आयुष्मान, ठीक है। आयुष्मान आपको टाइप करना होगा, यहाँ पर टाइप करना होगा UTI, आयुष्मान UTI, आपको इतना लिख के सर्च कर देना है। जैसा आप इतना लिख के सर्च करिएगा देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि PMJY.UTI, यहाँ पे पहले आयुष्मान भारत, यहाँ पे पैन कार्ड, मतलब UTI का जो पोर्टल है वो पैन कार्ड को भी देती है, अथॉरिटी मिल जाती है, और यहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड के लिए भी, ठीक है। तो आपको पहले वाला आयुष्मान कार्ड वाला ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेगा देख सकते हैं आपके सामने कुछ एक पॉपअप शो करेगा, आपको यहाँ पे एग्री वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा आयुष्मान भारत ई कार्ड फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाता है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 3 लाइन। अगर आप मोबाइल मोड में चला रहे तो आपको 3 लाइन देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। 3 लाइन पे आप क्लिक करिएगा, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन देखने को मिलता है कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। आपको कॉन्टैक्ट अस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट अस वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा देख सकते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्थन रीजनल ऑफिस NRO न्यू दिल्ली, ठीक है। सबसे पहले अगर आप पहले आपको यहाँ पे स्टेट देखना होगा, ठीक, पहले आप स्टेट देख लीजिएगा। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, इस पर आपको कॉल कर लेना है, या आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी पे ईमेल कर लेना है, नहीं तो आपको यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है तो आपको उनका एड्रेस पे आपको चले जाना है, जाके आपको बात कर लेना है। बात करने के बाद आपको वहाँ पे बता देना है कि हमको आयुष्मान कार्ड के लिए ऑपरेटर आईडी चाहिए, उसका क्या प्रोसेस है, उनको लोग प्रोसेस को बताएंगे, आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ से आपको आयुष्मान कार्ड का मित्र आईडी मिल जाएगा। और दूसरा यहाँ पे देखते हैं, आपको यहाँ पे हर स्टेट दिया हुआ है, किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको स्टेट देखना है, अपने स्टेट के यहाँ पे रीजनल ऑफिस चले जाना है अगर आप जा सकते हैं, नहीं तो आपको 1 भी रुपये पहले चार्ज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको किसी को भी ऐसा नहीं कोई फ़ोन कर दिया, फ़ोन करने के बाद आप उसको चार्ज पैसा पेमेंट कर दिए, क्योंकि वीडियो किसी के प्रमोशन के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बस आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है जो कि ऑनलाइन
तरीके से इन्फॉर्मेशन है वो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। आपको किसी को पैसा पे करने का जरूरत नहीं जब तक आपको खुद से सही से सब कुछ समझ में नहीं आ जाता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि फ्रॉड हो जाता है हमारे साथ। तो इस तरीके से आपको आयुष्मान कार्ड का मित्र आईडी मिल सकता है यूटीआई पोर्टल के माध्यम से, क्योंकि अभी 20 पोर्टल से नहीं मिल पा रहा है तो अभी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते अभी अपने माध्यम से, तो बस आपको यही एक ऑप्शन है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कितना यहाँ पे ऑथराइज हो चुका है, कितने ऑपरेटर हैं, कितने कार्ड इशू हो चुके हैं, कितने कार्ड पेंडिंग में, सब कुछ यहाँ डिटेल भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।